स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर एक एक जो विवेक पांडे है निषाद पार्टी के, वो कुशीनगर से आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन आगे कौन पीछे, 403 में सेंचुरी बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी रुझानों के मुताबिक। महाराजपुर में मंत्री सतीश महाना आगे चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं अनुमानों में, हालांकि एग्जिट पोल के उन्हें पीछे दिखाया गया था। कुशीनगर में निषाद पार्टी के विवेक पांडे आगे। उत्तर प्रदेश में 102 पर बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और अब समाजवादी पार्टी से उसका फासला बड़ा होता चला जा रहा है। तो दोनों ही तरफ अगर आप नजर डालें कौन आगे कौन पीछे, तो उसमें दिग्गज अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा चेहरा पीछे नहीं अभी तक होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। तो सेंचुरी पार जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, सैयद जफर इस्लाम साहब सेंचुरी पार, लेकिन अभी शुरुआती रुझान। अंजना जी, मैंने कहा कि देखिए अभी तो बहुत ही शुरुआती रुझान है और उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन एक चीज तो आप जरूर ऑब्जर्व कर रही होंगी कि गैप कम हुआ है बढ़ा है, लेकिन गैप बराबर रहा है हमारे और समाजवादी पार्टी के बीच में। बड़ी लीड हम हर वक्त बना के रखा है, जो मिनिमम अब तक देख रहे पिछले एक घंटे में देखा वो 10 या 8 का गैप रहा है, लेकिन अभी तो देखिए कम से कम 35 सीटों का गैप है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। साधना पार्टी की से जरा बात करने दीजिए, साधना जी इतनी भी क्या मायूसी, लेकिन वहाँ दो लोग अभी 00 पर है। साधना जी, नहीं नहीं अभी मायूसी और खुशी होने का कोई अभी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अगर आज तक के ही मेहमानों की बात मान लूं तो उन्होंने तो कहा अभी रुझान है और इन पर कुछ कह देना या इनको मान लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। और दूसरी बात, हम आधारित जो जनहित के आधारित मुद्दे तो उन्हें उठाने में हम पूरी गोवा में लेकिन कांग्रेस प्लस अच्छा करती हुई दिख रही है, 20 सीटों पर आगे है यानी बीजेपी को पीछे छोड़ रही है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस 19 सीटों पर है, ये भी एक टफ फाइट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ यूपी में जरूर परफॉर्मेंस बहुत नीचे दिखाई दे रही है, वहीं पंजाब में 64 सामने आए हैं जिसमें 35 पर आप 19 पर कांग्रेस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अभी तक के रुझानों के मुताबिक 100 सीटों के पास जाते ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, रुझानों में बीजेपी 100 सीटों के पार बाद जा पहुंची है, 106 सीटों पर नंबर वन पार्टी लगातार बनी हुई है बीजेपी। अपने आप में बेहद बड़ी खबर, एक घंटे होने जा रहे हैं, सुबह के 9 बजने जा रहे हैं और इस बात को समझिए, शुरू से ही 107 सीटों पर यानी कि बीजेपी लगातार नंबर वन पार्टी के तहत आगे की ओर बढ़ती हुई, लेकिन 69 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी भी टक्कर देने की कोशिश में। 180 के रुझान अब तक उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं।